26 तारीख को, 26 अप्रैल को राजनगर थाना अंतर्गत गोपीनाथपुर कैनाल के पास एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसमें पिस्टल का भय दिखा के दो लोगों द्वारा जो है 1,57,000 की लूट की गई थी। उसी के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए, ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट का यूज करते हुए, बहुत कम समय में जो है इस कांड का उद्भेदन किया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया है, एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। जो पकड़ाया व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद हुसैन, इनके पिता का नाम अनीसुद्दीन है, ये बालीपोसी थाना सरायकेला के रहने वाले हैं। इनके साथ जो इनकी टीम में जो रेकी का काम करता था लखन महतो, उसको उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, एवं इनके निशानदेही पे काफी सारी चीजें बरामद हुई हैं जो कि लूट में प्रयोग हुई है या लूट करने के बाद जो उनको यूज नहीं लगा जिन मटेरियल का, जिनको जला के इधर उधर उन्होंने फेंका है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो लूटना हुआ सामान होता था उसमें से जो काम की चीज उन्हें नहीं लगती थी उन्हें जलाकर जो है नदी के किनारे एक घास के पास में वो फेंक दिया करते थे, और उनकी निशानदेही पर उसे भी जो है बरामद किया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। मुझे लगता है केस के ट्रायल के पहलू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और गौरतलब बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी के साथ केवल यही नहीं बल्कि लगभग इस जिला के 5 लूट के कांड जो है वो आपके का उद्भेदन हुआ है, जिसमें घमरिया थाना क्षेत्र का कांड है, सीनी थाना क्षेत्र का कांड है, राजनगर का कांड है, सरायकेला का कांड है। तो ये जो मतलब पूरा बहुत टाइम से एक लूट का जो आप सुन रहे थे न्यूज में अक्सर, जो बैंकिंग कलेक्शन एजेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का हो रहा है, आई थिंक उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का काम करेगा। टफकॉन एक्सटी 600 HCR TMT रिबा पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन एक्सटी के साथ।